अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मम्मी स्वीट हार्ट। अज असी बना रहे हैं गुड़ मठियाँ। इन्हों तुसी ना अपने पाकिस्तानी कुकी भी कह सकते हैं, पर इन्हों गुड़ मठियाँ भी कह सकते हैं। ये इनग्रीडियंट ये है वा, एक कप सूजी, एक कप सर फ्रेजिंग फ्लावर, एक कप बेसन, दो कप नॉर्मल आटा। तो ये मिठा पाने वास्ते ना फिर असी तीन कप शुगर, ब्राउन शुगर, और एक कप पानी, एक टेबल स्पून सौंफ, तो हाफ अ कप कोकोनट पाउडर। वो थोड़ी मर्जी है कि तुम कोकोनट पाउडर पा लो, तुम बादाम पा लो, पिस्ते पा लो, कुछ भी पा लो। ये हम आटा असी बना रहे हैं, इन गुन के फिर थानू नैक्सट स्टैप दिखाने। उम्मीद है कि थानू समझ लग गई होनी है इनग्रीडियंट दी। मम्मी स्वीट हार्ट इसमें So you get sugar and water. Next step दिखाने हैं, फिर आटा गुन के थानू फिर टिक्कियाँ किद्दां बनानी है और मठियाँ किद्दां बनानी है। ये मिक्स चीज़ा इनग्रीडियंट मिक्स की हैं, फिर मैं दोबारा रिपीट कर देनी है। ये एक कप सूजी, एक कप बेसन, दो कप नॉर्मल आटा, एक कप सर फ्रोजन फ्लावर, तो इसमें तीन कप शुगर के गए हैं, तीन कप ब्राउन शुगर, एक कप पानी, दो टेबल स्पून सौंफ, हाफ अ कप कोकोनट पाउडर। हाँ, ऐसा ऐसा मिक्स करेंगे पानी, फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे फिर आपको। आटा इदा का लगना चाहिए गुन के ना, मिठा आटा जो है ना गुड़ मठिया का आटा, वह इदा का होना चाहिए, कलर इन्ना सख्त होना चाहिए। तो अब हम असी बना लगे फिर बना के थोड़ा दिखाने। ओके, नेक्स्ट स्टेप की होना, आटा इदा का गुण होना चाहिए, देख ले बिल्कुल ना सख्त हो ना बहुत नरम हो। हम बेलना, बेल के रोटी टिक्कियाँ बनानी है, तो नेक्स्ट स्टेप फिर दिखाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। इस स्टेप तो ऐसे लगनी सारी मठियाँ जो ना गुड़ मठियाँ सारिया, उन्होंने बेल लिया, बेल के उन्होंने ऐसे रख लिया। रख के फिर उन्होंने तुम अद्धा घंटा, 45 मिनट, एक आवर भी रख सकते हैं। रख के इन्होंने थोड़ी जी ड्राई हो जाएगी, तो फिर तुम उन्होंने फ्राई कर लेना। मैं थोड़ा ये सारिया आटा जैसा ना दो बारी डिवाइड करके सारी एक जगह पर टेबल पर बेल लिया। फिर कटर लैके कोई कप ले लो, कोई ग्लास ले लो, हिसाब से उन्होंने कट कर लो। कट करके उन्होंने थोड़ा जहा ड्राई कर लो, ड्राई करके तो फिर उन्होंने फ्राई कर लो। ये हम ये स्टैप इतने तक होया वा, हूँ मैं थोड़ा फ्राई करके दिखाने हैं, फिर मैं गिव यू फाइनल रिजल्ट। ओके, दोस्तों मठियों का जो नेक्स्ट प्रोसीजर है ना वो है कि हमने फ्राई करनी है। अब ना देखो मैंने तेल रख दिया, तेल गर्म हो गया, तो देख लें आप ये मैंने रखी हुई है। देखो दोस्तों, मम्मी स्वीट हार्ट की रेसिपी मठियाँ, गुड़ मठियाँ कह सकते हैं, इन्होंने पाकिस्तानी कुकीज़ भी कह सकते हैं। ये इन्हों का फाइनल रिजल्ट है।
फाइनल रिजल्ट दे आर वेरी डिलीशियस, बहुत ब्यूटीफुल बनियाँ, नाइस एंड सॉफ्ट बनियाँ, बहुत ज़्यादा नाइस एंड तुसी दुध दे ग्लास नाल लै सकते हैं, चाह दे नाल लै सकते हैं, वैसे स्नैक दे तौर यूज़ कर सकते हैं। ये चार हफ्ते तक खराब नहीं होने लगियाँ, इतने तुसी डब्बे च रख लो ते जो दिल करे मज़े ना खाओ, इंजॉय करो। ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करियो, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा रखियो ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करियो प्लीज़, बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही मज़े की देसी स्टाइल, बहुत मज़े की। थोड़ा मैं सारी रेसिपी शो की है, मैं काफ़ी देर बाद आई हूँ, ये रेसिपी मैं बनाई देसी रेसिपी है, मैंने उम्मीद है कि थोड़ा बहुत पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। Thank you so much for watching. Share, comment and